गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर स्टैंडर्ड सिक्स सोशल साइंस. इन ज्योग्राफी सब्जेक्ट योर चैप्टर नंबर 5 इज द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. तो इस चैप्टर में हमने आगे जो ये ओशन के बारे में हमने देखा था, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है एटमोस्फियर, उसके बारे में हम देखेंगे. तो आगे के वीडियो में हमने हाइड्रोस्फियर देखा था, तो इसके बाद हम एटमोस्फियर जो है वो देखेंगे. तो यहाँ पर बताया था, अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमोस्फियर. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटेग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लानट. इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज. तो अर्थ जो है क्या है, सराउंडेड बाय अ लेटर लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड द एटमोस्फियर. लेयर है वो गैसेस का, वो एटमोस्फियर पर. दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल. वो क्या है, उसकी ब्लैंकेट मतलब जो उसके पर ब्लैंकेट है एयर का, और इज एन इंटीग्रल एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो भी प्लैनेट पर. इट प्रोवाइड अस, वो प्रोवाइड करता है एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल, यानी हार्मफुल सन रेज हमें प्रोवाइड करती, उसकी इफेक्ट हमें प्रोवाइड करती है. इसके बाद द एटमोस्फियर एक्सटेंड्स अप टू अ हाई ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर्स. द एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन. तो यहाँ पर बताया जो एटमोस्फियर है वो एक्सटेंड करता है हाई ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर, यानी 1600 किलोमीटर्स में एक्सटेंड करता है. द एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इंटू 5 लेयर्स, यानी एटमोस्फियर को 5 लेयर्स में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन कंपोजिशन में, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज में. दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड ट्रोपोस्फियर. यानी सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होता है, यहाँ पर फिगर में भी दिया है, ट्रोपोस्फियर, द स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद है स्ट्रेटोस्फियर, द मेजोस्फियर, यहाँ पर फिगर में दिखा रहा है मेजोस्फियर, एंड द थर्मोस्फियर, यहाँ पर वो भी दिख रहा है थर्मोस्फियर, एंड द एग्जोस्फियर. तो यहाँ पर ऊपर है एग्जोस्फियर. तो ये 5 पॉइंट जो लेयर्स है वो एग्जाम में आपको आ सकते हैं. तो आपको ऐसे ड्रॉ कर भी आपको फिगर भी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर क्या है, उसके फिगर ड्रॉ करो. तो आप इसी तरह फिगर लाइन टू लाइन पॉइंट वाइज आप ड्रॉ कर सकते हैं. सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. ये क्या है, 5 लेयर्स है एटमोस्फियर के. द एटमोस्फियर इज कंपोज मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. वो क्या कंपोज करते हैं, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, विच मेकअप अबाउट 99% ऑफ क्लीन. यानी वो क्या है, 99% क्लीन मेकअप करते हैं. ड्राई एयर, यानी एयर ड्राई को क्लीन मेक करते हैं. नाइट्रोजन 78% करता है, ऑक्सीजन 21% करता है, एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, एर्गन, आर्जन एंड अदर कंप्राइज 1% बाई वॉल्यूम. यानी वो क्या है, अदर जो गैसेस होते हैं वो 1% वॉल्यूम करते हैं. ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ, यानी वो क्या हमारी लाइफ में ब्रेथ ऑफ लाइफ है. वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यानी जो नाइट्रोजन वो हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो परसेंट इन मिनट अमाउंट, यानी परसेंट थ्रो करते हैं इन मिनट में अमाउंट पर. इट इज़ अ इम्पोर्टेंट एज इट एब्जॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, और देयर बाय कीपिंग द प्लानट वार्म. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लानट. यानी वो क्या है, तो वो भी एक एसेंशियल है वो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में. द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर वेरियस विथ हाइट. यानी डेंसिटी जो है वो एटमोसफियर में वेरियस विथ हाइट में है. इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप. यू नो
द क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीजेस इन द डेंसिटी ऑफ एयर. दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई एल्टीट्यूड्स. The temperature also decreases as we go upwards. The atmosphere exerts pressure on the earth. This varies from place to place. Some areas experience high pressures and some areas low pressures. Air moves from high pressures to low pressures and moving air is known as wind. तो यहाँ पर हमें बताया है कि जो एटमोसफियर है वो मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली. वो क्या है, मैक्सिमम सी लेवल पर है और डिक्रीजेज रैपिड, वो डिक्रीजेज करता है रैपिडली एज वी गो अप. यू नो यानी आप जानते हैं कि जो क्लाइंबर्स होते हैं वो जो चढ़ते हैं वो उन्हें एक्सपीरियंस प्रॉब्लम में मतलब ब्रीथिंग में एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स होती है. तो ड्यू टू दिस डिक्रीजेज एज डेंसिटी ऑफ एयर यानी वो डिक्रीजेज करते हैं डेंसिटी ऑफ एयर. देर दे हैव कैरी देम विथ ऑक्सीजन सिलेंडर यानी वो कैरी अपने कैरी के लिए ऑक्सीजन जो सिलेंडर्स होते हैं टू बी एबल टू ब्रीथ हाई अल्टीट्यूड्स में. वो मतलब ऑक्सीजन का सिलेंडर वो जो होता है वो क्लाइंबर जो होते लेकर जाते हैं. और द एटमोसफियर एग्जर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ यानी एटमोसफियर क्या करता है, एग्जर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ पर एग्जर्ट प्रेशर करता है. दिस वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस यानी वो प्लेस टू प्लेस पर ऐसा करता है. सम एरियाज यानी सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर होता है और सम एक्सपीरियंस सब एरियाज में लो प्रेशर होता है. एयर मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर यानी एयर क्या करता है, मूव्स करते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे मूव करते हैं. और मूविंग एयर इज नोन एज वाइंड यानी ये जो मूविंग होता है एयर का तो उसे क्या कहते हैं, वाइंड. इसके बाद है बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ. यहाँ पर इस डायग्राम हमें यहाँ पर दिख रहा है बायोस्फीयर की. तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा पार्ट हमें दिख रहा है क्या है, एटमोसफियर है. और ये जो सी वाला पार्ट है वो हाइड्रोस्फियर है और ये लैंड वाला जो पार्ट है वो लिथोस्फियर है. द बायोस्फियर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर यानी जो बायोस्फियर है वो नैरो जोन करते हैं कॉन्टैक्ट करते हैं बिटवीन यानी जो लैंड है ये जो वाटर है और ये जो ऊपर वाला जो एयर है उसमें कनेक्ट करते हैं. इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज यूनिक टू दिस प्लेनेट एग्जिस्ट. देर आर सेवरल स्पाइसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरी इन साइज फ्रॉम माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन्स आर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायर्स ऑफ सर्वाइवल. तो यहाँ पर बताया है कि जो स्पाइसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो वेरी इन द साइज ऑफ माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया में ह्यूज मेमल है उसमें मतलब वो लोग बैक्टीरिया और जो ह्यूज मेमल्स है उसमें स्पाइसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म लेते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इंक्लूड होते हैं ह्यूमन्स आर लिंक टू ईच अदर एंड टू बायोस्फीयर इज सर्वाइवल. बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल होता है. द ऑर्गेनिज्म इज द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इन टू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम यानी वो क्या होता है, डिवाइडेड होते हैं किंगडम प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम में. टू द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर यानी वो थ्री डोमेन्स उसमें होते हैं एक मतलब कि अर्थ इंटरैक्ट विच अदर अर्थ के इंटरैक्ट में और अफेक्ट ईच अदर में इन सम वे और द अदर. फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिल अवर नीड्स टू वुड ऑफ वुड यानी वुड के लिए जो कटिंग होता है फॉरेस्ट में वो फुलफिल हमारे नीड्स के लिए होते हैं. और क्लियरिंग लैंड यानी उसमें उससे क्लियरिंग लैंड क्लियर होती है. फॉर एग्रीकल्चर वे लेड ऑफ फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लॉप्स
यानी फास्ट रिमूवल होता है सॉइल फ्रॉम स्लॉप से। सिमिलरली अर्थ सरफेस में भी चेंज ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी सिमिलरली में भी चेंज होता है ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेट्स लाइक अर्थक्वेक्स। फॉर एग्जाम्पल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड हैज हैपन इन द सी केस ऑफ ट्यूसनामी रिसेंटली, यानी सी केस में वो क्या ट्यूसनामी रिसेंटली ट्यूसनामी होते हैं कई बार मतलब लैंड में। और पार्ट्स ऑफ आंदामान एंड निकोबार जो टापू होते हैं आइसलैंड होते हैं वेर सबमर्ज अंडर वाटर, यानी वो क्या होता है टापू सबमर्ज हो जाते हैं अंडर वाटर में। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर मेक्स द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज, यानी डिस्चार्ज होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है किसमें तो लेक्स एंड रिवर्स में मेक्स करते हैं वाटर अनसुटेबल जो होता है वो ह्यूमन यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म ऑफ लाइफ, यानी ऑल्सो वो भी क्या होता है ऑल्सो डैमेजेस होते हैं अदर अपने ही लाइफ में। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज थर्मल पावर प्लानिट एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कहते हैं उसे, इज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर, यानी इमिशन फ्रॉम जो इंडस्ट्रीज होता है थर्मल पावर प्लानिट्स एंड व्हीकल जो होते हैं वो पॉल्यूट द एयर, और जो पॉल्यूट एयर को पॉल्यूट करते हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो इज़ इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ एयर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो है इम्पोर्टेंट है कंस्टिट्यूएंट ऑफ एयर के लिए। बट इंक्रीजेस इन द अमाउंट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होता है जब लीड्स टू इंक्रीज द इन ग्लोबल टेम्परेचर, यानी जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब। दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, यानी वो क्या है टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग है। देयर इज थस अ नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सिस ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फियर एंड द एटमोस्फियर एंड द हाइड्रोस्फियर। तो जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वो इंक्रीज करते हैं ग्लोबल टेम्परेचर में, दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या है टर्म है ग्लोबल वार्मिंग का। और दिस इज देयर इज द नीड टू लिमिट, यानी जो हमारी नीड्स होती है वो लिमिट यूज ऑफ रिसोर्सिस में मतलब यूज होती है ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस, यानी अर्थ भी ना जो भी मेंटेन बैलेंस करते हैं ऑफ नेचर बिटवीन द डोमेन्स, मतलब जो भी नेचर में जो भी होते हैं डोमेन्स वो क्या है तो लिथोस्फीयर है, वो अपने मेंटेन अर्थ पर जो बैलेंस को मेंटेन करते हैं वो तो कौन है वो डोमेन्स है बिटवीन लिथोस्फीयर एटमोस्फियर एंड द हाइड्रोस्फीयर। तो इसके बाद इसकी जो एक्सरसाइज वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।